नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। बच्चों के विवाद में एक गर्भवती महिला के साथ उसके भेसुर एवं गोतनी के द्वारा मारपीट किए जाने का मामला थाना पहुंचा। मामला भलगोरी गांव का है। घायल अवस्था में थाना पहुंची महिला का सर्वप्रथम पुलिस ने रेफरल अस्पताल में इलाज करवाया और उसके बाद महिला से घटना की पूरी जानकारी ली। इस संदर्भ में भलगोरी गांव के रहने वाले राम कुमार की पत्नी सिंटी कुमारी ने बताया कि 2019 में वह लव मैरिज किया, जिसके बाद वह अपने ससुराल में रहने लगी और उसका पति अन्य प्रदेश में मजदूरी का काम करता था। पीड़िता ने बताया कि रविवार की शाम को उसका एक वर्षीय बच्चा खेल रहा था जो दूसरे बच्चे से लड़ रहा था, जिसके बाद उसके भेसुर रंजीत यादव एवं गोतनी सोनी देवी ने उसके बच्चे की पिटाई करना शुरू कर दिया। जब मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए गया तो वे दोनों मेरे साथ भी मारपीट करते हुए मुझको घायल कर दिया। इधर थाना अध्यक्ष राजेश शरण ने बताया कि पीड़िता के द्वारा दिए गए आवेदन पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। पति का नाम राम कुमार। कहाँ घर है आपका? भलगोड़ी। कौन मारा आपको? बड़े भाई सुर रंजीत यादव और उसकी वाइफ सोनी देवी। क्यों? बच्चा को बच्चा हम झगड़ा हो रहा था, फिर गोतनी में से बोल रहे थे गलम गाली। उसके बाद मेरा भाई सुर मेरा तलवार से काट दिया। उसके बाद पाँच महीना। पति आपका कहाँ रहते हैं? हैदराबाद में रहते हैं। वहीं काम करते हैं वो? हाँ। आवेदन थाना में दिए हैं? अच्छा, थाना में आवेदन दे दिए हैं? हाँ, आवेदन दिए हैं। दोनों फुटवाए थे। बचवा का क्या नाम है? ऋषभ कुमार। के साल का? एक साल का। दोनों कोई दिक्कत? मैंने बच्चा में झगड़ा हुआ। हाँ, मेरा बेटा 1 साल का, उसका बेटा 5 साल का है। साथ खड़ा है। अच्छा। इसको भी पटक पटक के मारा। वही बोले कि जो भी बिगाड़ रहे हम बिगाड़ते हैं, मेरा बेटा क्या बिगाड़ता है जो मेरा बेटा मारती है। कौन मारा इसको, बच्चा को? मेरा पहले उसका बेटा मारा तो झगड़ा हो गया, फिर मारा पटक पटक।